जो सब जिला गुड़िक विशेष भाव में प्रभावित हम बोली कह जाऊला गत काली जदि आप देखिए सब जिले में टाइट खरा होता कितु आज सका चित्र मुझे देखी देखु पापाग संपूर्ण भाव में बदली सारी कोहला पाग रही धूआलिया पाग रही सहित समुद्र अशांत हवा आरंभ कला आप जानते जे जो गभीर अवपात थी बर्तमान बात्यार रूप नहीं सारी बात्यार रूप नापर से धीरे धीरे बर्तमान ओडिशा उपकूल आड़ को मुहाँची विशेष भाव में आप जानते जो चारोटी जिला अधिक अधिक इफेक्ट हम बोली कहा विशेषकर जगत सिंहपुर कथा कहतु केन्द्रापड़ा कथा कहतु भद्रक कथा कहतु एवं बालेश्वर कथा कहतु यही चारोटी जिला सर्वाधिक इफेक्ट पड़े बात्या द्वारा दाना द्वारा जहाँ कहु एपर्तंत जदिओ कौटी हिट कर बात्या से कथा स्पष्ट होना किंतु कहुच भितरकनिकार धामरा ये भितर कौटी हिट कर आम बर्तमान राजनगर अच्छे सहित जुआर बर्तमान अधिक उच्च पथर में सीधा साल भाव में बाड़ होती तेणु स्थानीय लोक इवाकुएट कर आरंभ है गत काली जानते विभाग मंत्री जो सूचना देते जे आज संध्या सुधा टार्गेट रखा जो 10 लाख लोक जो मैंने समुद्र कूल में अच्छा किभली भाव में बात्या पूर्व सुरक्षित जगह को इवाकुएट करा गुरुत्व दिखाई यथावर्ती ओग्रा टीम मुतयन हो सारे 128 अग्निशम टीम विभिन्न स्थान में पहुंची सारे ता सहित एनडीआरएफ टीम 19 टीम विभिन्न क्षेत्र में पहुंचा बेले आउ 5 टीम जोटा कि बाहर राज्य को बर्तमान एनडीआरएफ टीम मगा जाती सबू विभाग को दायित्व दिखाई स्वास्थ्य को नहीं जल पर्यंत जो सब विभाग गुरुत्वपूर्ण स्थानीय जल पर्यंत समस्त को आलर्ट रखा जाती स्थानीय लोक अच्छा आम प्रतिक्रिया ना मुझे आप घर ये समुद्र को सकते देखिए किंतु बर्तमान भय निहत भाव में रोज कारण पुणी गोटे बात्या आसवे जहां कहुची जो केन्द्रापड़ा रु भितरकनिका को लेकिन भद्रक धामरा ता भितर कौटी माड़ हम आम तो 71 मसा बात्यापास आम आप देखी देखे आंतु ये हिसाब से जो हिसाब से आम समुद्र को देखु भयकर रूप नहीं आसने कारण पवन ना पा उठलाणी से पवन है कौन हम कही हम 71 मसीह तो बहुत लोक मरीगले से सरकार अच्छे सजाग ना बर्तमान सरकार सजाग अच्छी कौन हम आम से मात्र पास है आपंकर पाख गाँ देखु समुद्र पाख गाँ लगी रही समुद्र को कितने लोक एमती मटी घचा घर रोचे गवर्नमेंट तो कल कही समस्त को पठा जो बात्या आश्रय स्थल अच्छी सिफ्ट खाया पीवा व्यवस्था कर समस्त केमती सेफली जीवन आग बचे ता दायित्व सरकार नहीं बहुत चाड़ घर आम तो हूँ गोटे फसल लोक धान फसल हूँ आम मुख्य धान फसल कर कौन घर द्वार कर सरकार जो खंडे खंडे घर देखा ता देख खंडे लगे किए किमी कर बहुत चाड़ घर वाला अच्छा सरकार जहाँ कर हिसाब से लोक सब गले ना नहीं बात ना जाना मीटिंग बसी ओसडमारे मीटिंग बस बस मेम्बर मान सब अच्छा मीटिंग बर्तमान बस जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा केन्द्रापड़ा को अधिक भय रही 120 किलोमीटर पर्यंत पवन हम बोली कहु पवन रात्रा जहाँ अच्छी आम टे साहस अच्छी किंतु पवन रात्रा जब अधिक बढ़ो कहीं कहीपरिवे ना पवन कथा केत कौन हम कारण आम समुद्र पार्टी भितर रही आम कौन केमी साहस बांधिक रहीबू कहन बाप सरकार जहाँ करें कथा मानवाप प्रस्तुत अच्छे देखुले आम स्थानीय लोकर जहाँ प्रतिक्रिया नौते जे जीवन को समस्त भय रही जो वर्तमान गाँव में बैठक बसची कि भाव में समस्त को इवाकुएट कर सरकार योजना प्रस्तुत कर ग्राउंड रूट रू जहाँ कहुला गत काली त्रिस्तरीय कम्युनिकेशन व्यवस्था कर मुख्यमंत्री विभाग मंत्री ता सहित ग्राउंड में जिलापाल ठूँ सरपंच पर्यंत जिलापाल मान दायित्व दि जाइए लोकाल सरपंच समिति सभ्य सहित आलोचना करेंगे विशेषकर आम देखी था विभिन्न समय देखी था बहुत गाँ एमती रही था जो तलिया अंचल पाख बन्या बात्या समय समुद्र पखापाखी अंचल जो सबू लोक
ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ବିପଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିଟାମାଟି ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେଇବେ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ ଏବଂ କିଭଳି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଯାହା ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବେ ପୋଲିସକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ପୋଲିସ ଗାଁରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବ କିଭଳି ଗାଁରେ ଯଦି ଚୋରି ନ ହେବ ସେ ନେଇ ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରହିବେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷା ରହିବ ତେଣୁ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ବାତ୍ୟା ଦାନା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର କରାଯାଉଛି ଯେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇସାରିଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତିରୁ 25 ଭୋର ଭିତରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ପଏଣ୍ଟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର IMD ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଜାରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମଡ଼େଲ ୱିଣ୍ଡି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସବୁ ମଡ଼େଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ଆକଳନ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଭିତରକନିକାଠୁ ନେଇ ଭଦ୍ରକର ଧାମରା ୟା ଭିତରେ କେଉଁଠି ବାତ୍ୟା ଦାନା ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ହିଟ୍ କରିପାରେ ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ଅଧିକ ବିପଦ ରହିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ ସଜାଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।